हेलो गाइज, मेरा नाम है बाबिलोन। आप सबका स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कमाल का ट्राइपॉड की, जो कि डिजिटेक की तरफ से आने वाला DTR550LW ट्राइपॉड। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो या एक वीडियोग्राफर हो, आपको फोटो खींचने के लिए या कोई यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एक ट्राइपॉड चाहिए, तो 1500 रुपये के अंदर ये एक बेहतरीन ट्राइपॉड है, जो कि आप आँख बंद करके ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलता है, क्या क्या इसका खासियत है, एंड इसको यूज करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ये सब भी कर देना। ओके, तो सबसे पहले चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा ट्राइपॉड। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिजिटेक का लोगो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट नीचे यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने के लिए मिलेगा, जो कि है DTR550LW। एंड यहाँ पर ट्राइपॉड का एक पिक्चर, एंड इसके साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 kg का मैक्सिमम लोड है, एंड यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है 5.57 फीट। इसको इतना तक आप उठा सकते हैं। ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। एंड इसका जो फोल्ड हाइट है, मतलब जब आप इसको ऐसे एकदम क्लोज कर देंगे, 61.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इसका मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर जो है, मतलब इसका जो लेग है, इसको जो डायमीटर है वो है 26.5 mm। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए, ये वाला जो सबसे बड़ा वाला जो लेग है, इसका जो डायमीटर है वो है 26.5 mm। एंड इसका जो मिनिमम डायमीटर है, मतलब ये जो लास्ट में जो लेग रहता है, इसका थोड़ा सा छोटा डायमीटर होता है, जो कि है 20 mm। इसका टोटल वेट है 1.2 kg। एंड यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेगा, देखिए 1, 2, 3, 3 सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड इसके अदर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, इसके ट्राइपॉड का क्या क्या फीचर है। ये एक 3-way एडजस्टेबल पैन है, जिसको कि आप तीन तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर रबराइज्ड लेग मिलेगा, जो कि फ्लोर में आपको स्टडी रखने के लिए काम में आएगा। नेक्स्ट एक कन्वीनियंट एक्सेसरी हुक है, जहाँ पर आप कुछ भी वेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बबल हेड मिलेगा, जो कि आपको आपका जो कैमरा है उसको पोजीशन करने में काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक मल्टीपर्पज क्विक रिलीज हेड मिलेगा, जो कि आप इसको बाहर निकल के आपके कैमरा में फिट करके कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, ये भी एक मल्टीपर्पज हेडफोन DP कैमराज। ओके, बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ पर एक आपको कैरी बैग मिलेगा, जिसको कैरी करके हम इस कैमरा को कहीं पर ले जा सकते हैं। इस बॉक्स को तो नहीं ले जा सकते इस, लेकिन इस कैरी बैग को लेकर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैरी बैग है। एंड यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप मिलेगा, जिसको कि कैरी करने के लिए आसानी हो जाएगी। आपके कंधे पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये भी एडजस्टेबल है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसका ये जो चेन है, इसको खोलेंगे तो हमें हमारा ट्राइपॉड मिल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह का हमारा ट्राइपॉड है। तो गाइज, ये रहा हमारा ट्राइपॉड। इसको हमने पूरा उसका जो लेग है उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये जो लेग को ओपन करने के लिए ये जो दिया गया है, इसका लॉक सिस्टम, ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। इसको जैसे कि आप ओपन कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सारे के सारे पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम 3-way एडजस्टेबल पैन हेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखिए, तो सबसे पहले देखिए, ये जो नॉब है, इसको हम अगर ढीला करेंगे तो इसको इस तरह से हम ट्राइपॉड को घुमा सकते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप। एंड वर्टिकल टाइप में आपको घुमाने के लिए ये वाला जो नॉब है, जिसको हैंडल बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे तो इसको हम इस तरह से वर्टिकली हम इसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और एक नॉब दिया गया है, जो कि ये वाला नॉब, इसको अगर ऐसे ढीला करेंगे तो ऊपर वाला जो हेड है, इसको हम ऐसे यहाँ पर घुमा सकते हैं। तो पोर्ट्रेट शॉट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, इसको अगर हम ऐसे ढीला करेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाता है। ये एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है, हमारा जो कैमरा है, कैमरा का नीचे एक स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को ऐसे टाइट करके, यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे ऐसे घुमा के कैमरा में लगा के इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसको यहाँ पर आके ऐसे फिट कर देते हैं तो कैमरे के साथ ये भी लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बबल हेड मिलता है जिसको कि यूज करके हम कैमरा को पोजीशन करते हैं ठीक जगह पे है कि नहीं। जब भी हम कोई फोटो शूट करते हैं या कोई वीडियो को शूट करते हैं सबसे पहले इस जो नॉब है इनको सबको टाइट करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो ज़्यादातर शेक होगा तो आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक नॉब है, इसको अगर हम ढीला करेंगे तो ये वाला जो थ्री वे एडजस्टेबल पैन हेड इसको हम ऊपर भी ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक जो नॉब है इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैंडल है जिसको यूज करके हम अपने ट्राइपॉड को कहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। तो जब भी कैमरा होता है तो थोड़ा भारी होता है तो ये लेग को लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये हैंडल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, सब ट्राइपॉड में ऐसे हैंडल देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको स्क्रू मिलेगा, इस स्क्रू को टाइट करके आप ये वाला जो लेग है इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा हाइट को ऊँचा कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ढीला कर दिया तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा के फिर से टाइट कर दिया तो इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सबसे अच्छा होता है इसको थोड़ा सा नीचे करके टाइट कर देना तो ये स्टडी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो हुक दिया गया है इसको यूज़ किया जाता है जब भी कोई एक्सेसरी है इसको यहाँ पर झुलाने के लिए या कोई वेट अनदर वेट डालने के लिए। देखिए अगर किसी जगह पे ज़्यादातर ज़्यादा विंड आ रहा है तो चांस है कि ये ट्राइपॉड को भी उड़ा के ले जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा वेट डालेंगे तो ये स्टेडी रहेगा एंड आपका जो पिक्चर है ये ज़्यादा हिलेगा नहीं। एंड लास्ट में इसका जो लेग के लास्ट पार्ट में ये एक रबर मटेरियल है जो कि कैमरा को ऐसे स्टेडी रखने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट अगर आप इस ट्राइपॉड को खरीद रहे हैं तो सिर्फ ट्राइपॉड के साथ अगर आपके पास DSLR है तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन आप अगर फ़ोन के लिए इसको खरीद रहे हैं तो आपको एक फ़ोन माउंट भी खरीदना होगा। इस तरह का एक फ़ोन माउंट आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना हो पाता है। मेरा जो हाइट है वो है 5.8। तो देखा जाए तो इसका जो हाइट होगा वो करीबन 6 फीट 5 इंच के आसपास हो जाएगा। ये जो ट्राइपॉड है आसानी से 5 kg तक वेट को उठा सकता है, उसके ऊपर होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरी नज़र में ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, इसको आप कोई भी शूट के लिए यूज कर सकते हैं। आपको बी रोल लेना है इस तरह से आप बी रोल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो हेड है ये काफ़ी स्मूथ चलता है। एंड अगर आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट शॉट भी इसमें आप ले सकते हैं, मतलब रील या शॉट बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से टिल्ट करके भी आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, इसको मैंने ख़रीदा था अमेजन से जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 1700 एंड अभी इसका थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है 2000 के आसपास है। लेकिन अगर आप इसको कोई सेल में खरीदे जैसे कि अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 1500 के आसपास भी आपको इसको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाइंग लिंक दे दूंगा अमेजन का, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिजिटेक का ये ट्राइपॉड एंड हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अपना सजेशन देना कि अपने चैनल पे और क्या क्या प्रोडक्ट हम रिव्यू कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए एंड आप हमारे चैनल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।